मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ बच्चे बहुत कष्ट करके पूजा करते हैं और उपवास कर पाना तो बहुत मुश्किल होता है। फिर क्यों करते हो उपवास? लेकिन अगर उपवास किया भी है तो फल दूध जो खा सकते हो, जो ग्रहण कर सकते हो, कम से कम उसे तो तुम पूरा खाओ। ऐसे नहीं खाए खाए धीरे धीरे कमज़ोर होते जाओगे। ध्यान दो, अपने ऊपर बहुत ध्यान दो। मैं जानता हूँ कि तुम आश्चर्यचकित हो गए हो कि कुछ लोगों का व्यवहार कितना बदल गया है। इतने कम समय में क्या ऐसे बदलाव हो जाते हैं? लेकिन तुम नहीं जानते, हर कोई तुम्हारे दिल की तरह साफ दिल वाला नहीं होता। कुछ लोग छल कपट करके भी, कम काम करके भी ज़्यादा आराम करते हुए पैसे कमाना भी चाहते हैं, और इसलिए वो गलत रास्ते भी अपनाते हैं। मैं जानता हूँ कि पहले उनके व्यवहार बहुत शिष्टाचारी हुआ करते थे और अब के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गए हैं। लेकिन फिर मैं तुम्हें यहाँ एक ही बात समझाऊँगा कि तुम सबको बदल नहीं सकते, इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, उससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम सबकी इज्जत करना चाहते हो, सबको प्यार देना चाहते हो ताकि हर कोई ये महसूस करे कि वो बहुत खास है। लेकिन जो लोग तुम्हारे इस प्यार की कद्र नहीं करते हैं, वहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, ये भी ज़रूरी है। जितने काम करवाओ उसका सही सही पैसा दो, सही सही शब्द बोलो, बस इतना ही। जो तुम्हारी कीमत महसूस नहीं करते हैं उनके लिए बढ़ चढ़कर कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। उल्टा तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूखे हैं, सड़क पर सोते हैं, ठीक से कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है उनके पास। तुम उनकी सहायता करो, खुश रहो।